मध्य प्रदेश के देवास जनपद के ग्राम पंचायत नंदेड़ा से बड़ी खबर आ रही है। शमशान रोड के लिए सुशील धनराज के गबन का मामला प्रकाश में आया। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। मध्य प्रदेश के देवास जनपद के ग्राम पंचायत धंधेड़ा से बड़ी खबर आ रही है। शमशान रोड के लिए स्वीकृत धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले, ग्राम पंचायत धंधेड़ा के सरपंच मुकांति पतिधर, पत्नी जीवन सिंह पतिधर और सचिव मंत्री विक्रम सिंह नागर द्वारा स्वीकृत धनराशि चुपके से निकाल ली गई, लेकिन रोड आज तक नहीं बनाया गया। पूरा का पूरा मामला स्वीकृत धनराशि के गबन का है। तस्वीरों से साफ है अभी तक रोड का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्रामीण है परेशान, इतना बड़ा घोटाला सबकी मिली भगत से ही किया जा सकता है। हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लोकल प्रशासन ने अपनी आंख मूंद ली है। लगता है देश में कानून का राज नहीं है, लोकतंत्र का राज नहीं है, बल्कि लूट तंत्र का राज चल रहा है। इतना बड़ा घोटाला अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। आपको बताते चलें, सरकार से 5 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 3 लाख की राशि चुपके से निकाल ली गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कराया गया। काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, शुरुआत भी नहीं की गई। शमशान रोड बनाने के लिए सरकार से 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी। शमशान रोड बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत हुई थी। ग्राम पंचायत धंधेड़ा के सरपंच और सचिव द्वारा ना ही किसी को ठेका दिया गया और ना ही कोई इंजीनियर द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों में काफी है रोष व्याप्त। ग्रामीणों ने सोनकच्छ जाकर सीओ को 2 बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के आला अफसर अभी तक कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है और ना ही कोई जाँच कमेटी बैठाई है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी मिली भगत से ये सारा खेल हुआ है। स्वीकृत धनराशि 2 साल पहले निकाली गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीसी रोड के निर्माण के लिए स्वीकृत हुई थी यह धनराशि। आपको बताते चले, ग्राम पंचायत हदेड़ा में शमशान के लिए जाने के लिए कोई रोड नहीं है। जो रोड बनी हुई है उसमें रोड़े पड़े हुए हैं, लेकिन प्रधान और सचिव दोनों मिलकर धनराशि चुपके से खा गए, जिस वजह से निर्माण आज तक नहीं हुआ। ग्रामीणों से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया, यह धनराशि 2 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी, जिसको ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच ने और सचिव मंत्री ने मिलकर लिया है खा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, दिलीप शिंदे के साथ कैमरामैन बालचंद चौड़िया। देखते रहिए पूरी खबर। कितनी टाली मुरम डाला गया, अभी तक कितनी राशि निकाली गई है? यहाँ से राशि तो करीबन 2 लाख रुपए निकाल चुके हैं और करीबन 20 से 25 टाली मुरम पड़ा हुआ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। सरपंच सचिव द्वारा पैसे निकाले गए 3 लाख रुपए। यहाँ पे यहाँ तक कभी सरपंच को देखा ही नहीं, हम गाँव में आते ही नहीं हो। तो भी पैसे तो निकाले ना मंत्री जी वगैरह सभी ने आपके यहाँ के? मंत्री सचिव और सरपंच ने पैसे निकाल लिए है, लेकिन वो इधर आके देखते हैं। यहाँ पर इंजीनियर आते नहीं आते चेक करने वगैरह? इंजीनियर भी कभी चेक करने नहीं आता, जो सरपंच करते हैं वो फाइनल हो जाता है। वहाँ ठेका भी दिया किसी को कि उनके द्वारा ही काम किया गया है? नहीं, ठेका वहाँ नहीं दिया, उनके मन से करते रहते हो। भोजन इंडिया न्यूज 24, दिलीप शिंदे, ग्राम नंदेड़ा। आपको बताते चले, सरकार से 5 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 3 लाख की राशि चुपके से निकाल ली गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कराया गया। काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, शुरुआत भी नहीं की गई। शमशान रोड बनाने के लिए
सरकार से 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी। शमशान रोड बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत हुई थी। ग्राम पंचायत धंधेड़ा के सरपंच और सचिव द्वारा ना ही किसी को ठेका दिया गया और ना ही कोई इंजीनियर द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों में काफी है रोष व्याप्त। ग्रामीणों ने सोनकच्छ जाकर सीओ को 2 बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के आला अफसर अभी तक कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है और ना ही कोई जांच कमेटी बैठाई है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी मिली भगत से ये सारा खेल हुआ है। स्वीकृत धनराशि 2 साल पहले निकाली गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीसी रोड के निर्माण के लिए स्वीकृत हुई थी यह धनराशि। आपको बताते चले, ग्राम पंचायत हदेड़ा में शमशान के लिए जाने के लिए कोई रोड नहीं है। जो रोड बनी हुई है उसमें रोड़े पड़े हुए हैं, लेकिन प्रधान और सचिव दोनों मिलकर धनराशि चुपके से खा गए, जिस वजह से निर्माण आज तक नहीं हुआ। ग्रामीणों से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया यह धनराशि 2 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी, जिसको ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच ने और सचिव मंत्री ने मिलकर लिया है खा। आइए आप इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्ध।